आज जो इंडिया ने किया है 297 फेंटा लगा के ठोक के रख दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को। खेलने का मौका नहीं देते। तो इंडिया इस वक्त जिस टाइप की क्रिकेट खेल रही है, जिस अप्रोच के साथ खेल रही है, फेयरलेस क्रिकेट, और चाहे उनका नया प्लेयर्स हो चाहे उनका मेन प्लेयर्स हो, वो खेल रहे हैं कि टीम को ग्रिफ्ट कैसे करना। तो सर, इंडिया और बांग्लादेश के बीच तीसरा T20 मैच हुआ और शायद ये अपनी नौईयत का क्रिकेट का एक अलग मैच होगा, जिसके ऊपर आप मैच में स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे या बनने वाले रिकॉर्ड के ऊपर बात करेंगे। टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट T20 रन 297 की है, यानी 3 रन शॉर्ट है 300 के लिए। किसमें? 20 ओवर में। 14 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट उनके 200 रन हो चुके थे। ये तालियां किसके लिए? सब बोलेंगे संजू बाबा के लिए। नहीं, ये तालियां हैं मेरी गौतम गंभीर और स्काई के लिए। क्यों? कि 2 मैच में वो फ्लॉप हुआ। गौतम ने तीसरा ओपनर नहीं रखा था कि तीनों मैच खिलाऊंगा। कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है, आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्होंने उन्हें वाइट वॉश किया और उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि आप छोटी टीम हो, आप छोटी टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो। क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी वाइट वॉश करके आएंगे। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। कल था इंडिया बांग्लादेश का थर्ड T20 मैच और बांग्लादेश को जो सुताई करी है भारत ने, जो सुताई करी है संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, इन्होंने जो सुताई करी है पाकिस्तान उसकी बांग्लादेश की, पाकिस्तान निकलना मुँह से लेकिन बांग्लादेश जो सुताई करी है वो तो कभी सपने में भूल ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा यही सदमा पाकिस्तानियों को भी बहुत ज़्यादा लग गया है कि अगर बांग्लादेश की जगह हम होते तो हमारा क्या बुरा हाल होता, और ये बात हकीकत है। अब बांग्लादेश तो भैया पिट गया है और पूरा का पूरा जो समा बना हुआ है वो पाकिस्तानियों ने बना रखा है, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स ने बना रखा है कि भारत ने ये क्या ही कारनामा कर दिया। अब इनके मुंह से सुन लेते हैं जरा भारत की तारीफें। चलिए वीडियो देखते हैं। फिर क्या कहेंगे कि बंगालियों की तो बड़ी बड़ी हम लोगों ने कह लेंगे सुनी थी कि हम इंडिया को निस्तोनाबूद कर देंगे, हम उनके प्लेयर्स की बैंड बजाएंगे, बुमराह क्या है, अश्विन क्या है, और यहाँ पर तो वो खुद ही बेचारे पिस के चले गए हैं। जी, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वर्ल्ड वॉश करके जिंदगी में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज़ को लेके और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें, पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज जीत जाता ना तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चलें आप हिंदुस्तान की तरफ कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है, आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान ने उन्होंने उन्हें वाइट वॉश किया। आप लड़की हैं, अगर आप इधर लड़का कोई मेरे से ये जवाब पूछता ना, लेकिन मैं फिर भी कोड वर्डिंग में बता देता हूँ। लाइट बंद होने का मकसद आप सबको पता होगा कि लाइट क्यों बंद की जाती है, क्योंकि पहले उन्होंने लाइट में कच्ची उतारी, जो कुछ बच गया था वो लाइट बंद होने के बाद उतार दिया। ओ भाई, हाईएस्ट टोटल, इंडिया अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ी जा रहा है। वो कह रहे हैं बाकियों की तो हिम्मत नहीं हो रही, चलो असी चस ले लिए अपना रिकॉर्ड अपने तोड़ गए। मतलब आप ये देखो ना, 47 बॉल में 111 नेल्सन, 11 चौके 8 छक्के। हालांकि पहले 2 ओवर तो वो बहुत आराम से खेला है, फिर किस तस्कीन ने थोड़ी सा शुगल करा उसके साथ, फिर जो 3 चौके लगाए ना तो वहाँ से वो ऐसा शुरू हुआ, रुका नहीं। लेकिन जी, वेरी वेल पेड, जो पार्टनरशिप हुई है मेरे ख्याल 190 समथिंग की पार्टनरशिप हुई है, 197 की, टू गुड हुई है। और स्काई के लिए तो आपको पता है वर्ल्ड बैटर नंबर 1 है T20 का, वो तो ये जो मारता ना, ये आज एक बीमर मार दी थी यार, बचा, लेकिन बॉलर ने अच्छा किया, तस्कीन भाई ने हमारे सॉरी करा। बांग्लादेश की बॉलिंग की खास बात पता क्या थी? किसी का भी एवरेज आज 11 से कम नहीं था, सब ने 11 के ऊपर रन दिए, और जिसने 3 आउट करे तंजीम भाई ने, उसने 66 रन दिए, बहुत पेटा लगा। हालांकि वो बॉलर बुरा नहीं है, मतलब मेरा बात करने का ये मतलब नहीं है बांग्लादेश बुरी टीम है, बांग्लादेश बुरी होती तो पाकिस्तान को नहीं हराती भाई। बांग्लादेश के भाइयों ये मत सोचना,
मैं गेम पे बात कर रहा हूँ, जो मैच हुआ ना मैच पे बात कर रहा हूँ। कर चुकी है, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, मगर इस मैच के ऊपर आकर तो फुल स्टॉप लग गया है कि इस टीम के बीच दूसरी टीम का फर्क जमीन आसमान का जनवन फर्क हो चुका हुआ है। यानी कोई मुकाबला ही नहीं, जिसे बोलते हैं ना कोई मुकाबला नहीं है। ये वो क्रिकेट खेल रहा है टीम इंडिया, और क्रिकेट का माने बदल जो था ना कि क्रिकेट बाय चांस गेम है, अब क्रिकेट बाय इंडिया गेम बन चुकी हुई है। यानी जैसा उनका मन करेगा वो भले टेस्ट को T20 बना दें, और जो टीम टेस्ट को T20 बना सकती है वो T20 को किस तर्ज में खेलेगी, कौन सा मसाला डालेगी, वो आपको हैदराबाद में नजर आ चुका होगा। और फिर मैं बात करूंगा संजू सैमसन की। ये वो खिलाड़ी हैं भारत के, जहां पर एक दिन पहले उनके खिलाफ कंपेन चल रही थी क्या जस्टिस फॉर टीम इंडिया, कि भाई आपने इस बंदे को क्यों खिलाया है। पिछले दो वर्षों में उसकी सिर्फ 150 थी, 8 मैच 2023 में खेले, 8 मैच 2024 में खेले। पिछला मैच जब टीम इंडिया जीता, मैंने उन पर एक अलग व्लॉग बनाया संजू सैमसन के ऊपर कि यार आप ऐसे प्लेयर के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं जो बहुत धांसू प्लेयर है, अलग बात है कि आप उनकी 50 नहीं ज़्यादा बनी कि दो सालों में सिर्फ एक ही 50 है उनकी, मगर जो उनके साथ सलूक हुआ, मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि संजू सैमसन को BCCI ने वैसे ट्रीट किया जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे क्रिकेटर्स को करता है। वो कैसे, 2015 में वो बंदा डेब्यू करता है T20 का, फिर 5 वर्षों के बाद 2020 में वो मैच खेल रहा है अपना दूसरा मैच, फिर क्या होता है एक साल में 3 मैच मिलते हैं, अगले साल में 6 मैच मिलते हैं, सबसे ज्यादा मैच 2023 में उसे 8 मिले थे, फिर 2024 में आज उन्होंने अपना 9वां मैच खेला था। ये सबसे ज्यादा मैच हुए उनके करियर में, आप अंदाजा कर रहे हैं। और कब मिलते हैं, अब रोहित शर्मा तो वैसे रिटायर हो चुके हैं, मगर पहले कब मिलते थे, जब रोहित विराट नहीं खेलते थे आप इनको खिला देते थे, अब जब आपके पास जयसवाल नहीं खेल रहे, आपके परमानेंट जो शुभमन गिल जयसवाल नहीं खेलेंगे तब आप इनको खिलाएंगे। यानी आप ये समझते हैं कि आपके जो मेन रेगुलर ओपनर हैं या अच्छे क्रिकेटर हैं वो नहीं खेलेंगे तो इनकी बारी आएगी, जबकि मैं ज़्यादातर भाई समझता हूँ कि इनकी तब भी बारी आती है जब आपके मेन ओपनर खेल रहे होंगे। और सिर्फ ये ओपनर नहीं है, ये वाहिद प्लेयर है जो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक T20 में खेल चुका हुआ है। ये यानी आपका टेल एंडर है, मिडल ऑर्डर है, आपका ओपनर है, किस पोजिशन पर खेलता है। और उसके बाद कंपेन चली कि जस्टिस फॉर टीम इंडिया, किस बंदे को निकालो, और आज बंदे ने प्रूव किया कि भाई उसमें क्रिकेट बहुत बाकी है। और मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि रोहित शर्मा जब ना हो तो क्रिकेट ब्रेन T20 परस्पेक्टिव में इस जैसा कोई नहीं है। आप IPL में देख लो उस बंदे ने क्या टीम अपनी खिलाई थी, जबरदस्त किस्म की उन्होंने कप्तानी की है। जो बंदा कैप्टन से अच्छा कैप्टनसी अच्छी कर रहा है वो क्रिकेट ब्रेन उसमें अच्छा होगा, और वो एज ए बैटर कितना शानदार खेला है अंडर प्रेशर, सबसे खास बात है। मुझे लगता है ये सोन से ना जुड़ता आगे कहीं उनकी कहानी खत्म थी, फाइल क्लोज हो जानी चाहिए संजू सैमसन की। और ऐसा ठोका है कि उनको पता लग गया है कि भाई ये हमारी जो टीम है ये हल्की टीम नहीं है, यंग लड़के हैं लेकिन बहुत तगड़े हैं। संजू सैमसन बहुत परफॉर्म करता है IPL के अंदर, लेकिन उसको कहीं लेट आई थिंक चांस मिला, खेलता हुआ आ रहा है लेकिन कभी ड्रॉप होता है कभी खेलता है, लेकिन उसको चांस मिला। और अब मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा वगैरह से के रिटायर होने के बाद अब ये एज अ ओपनर मुझे ऐसा लगता है अब ये रेगुलर टीम से खेलेगा। और क्या फेंटा लगाया, क्या छक्के मारे, और जो उनके स्पिनर्स थे उन्होंने भी क्या कमाल बॉलिंग की संजू सैमसन को, स्पेशली जो लेग स्पिनर है उस वो रिशाद जो है, क्या बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक मज़ा आ गया उनकी बॉलिंग देख के। मुंह पे दिए जा रहे हैं, वो छक्के मारी जा रहा है मुंह पे दिए जा रहे हैं। ये कैसे लेग स्पिनर थे, कैसी हाइट है इनकी, पता नहीं क्या एडवांटेज उठाते रहे, पता नहीं क्या डोमेस्टिक में बांग्लादेश में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस देख के वो टीम में आए, समझ से बाहर है। लेकिन वो जो जो गलतियां करते जा रहे थे संजू सैमसन ने ठोक ठोक के उनको 5 छक्के लगा दिए एक ओवर में। और उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव शॉटे खेलता है कोई पता नहीं चलता, रिलीज होने तक वो अपनी क्रीज में रहता है, जैसी एंड पे एंड तक बॉलर बॉल को रिलीज करता है उस टाइम वो मूव होता है, कभी ऑफ स्टंप पे जाके ऑन पे मार देता है, कभी ऑफ स्टंप पे पॉइंट पे मार देता है, कभी किधर मार देता है। अजीबोगरीब किस्म का वो प्लेयर आया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और मतलब यानी बॉलर की लाइन को लेंथ को उसके कॉन्फिडेंस की तहस नहस करके साइड में मारता है। इंडिया में भी आप फ्लैट पिचेस देखे बनती हैं, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, हर जगह पे फ्लैट पिच होती है, और वो अपनी कंडीशंस का पूरा फायदा उठाते हैं। और उनको ये पता है अगर हमारी बैटिंग आएगी सेकेंड तो हम चेस भी कर सकते हैं, अगर हमारी बॉलिंग आएगी पहले या बाद में डिफेंड करना है या जो भी करना है हम वो सब कुछ भी कर सकते हैं, और वो हमें नजर भी आता है। ये नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ, आप बेशक यही टीम है, इसी टीम में अगर 2-3 चेंजिंग्स हुए जिसमें पंट भी अगर इस टीम के अंदर आ जाते, बुमराह भी आ जाते, एक आध और प्लेयर आ जाते, तो फिर इंडिया की टीम ज्यादातर मुझे लगता है यही है, तो ये टीम भी दूसरी टीम को आराम से पकड़ेगी क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ बहुत है यार। आप एक चीज देखो, संजू सैमसन आता है बैटिंग करने वो मारता है, अभिषेक आया उसको फिक्र नहीं है, वो पहले ओवर से शुरू हो गया,
आउट हो गया जल्दी, लेकिन वो अपना गेम खेल रहे हैं। पराग आता है वो अपना गेम खेलता है, सूर्य कुमार यादव आता है वो खुला खेलता है, जो आता है वो खुला खेलता है। हार्दिक पांड्या ने आई थिंक 42 रन आई थिंक उसने किए, वो आया शुरू हो गया, बॉलें कम रन ज्यादा। ये जो चीज हमें नजर आती है ना जिस तरह वो खेलते हैं, ये कॉन्फिडेंस पीछे दिया हुआ है। और इन लड़कों को सबको पता है, जो भी नए लड़के खेल रहे हैं, जो भी प्रॉपर सिस्टम वाला क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंग्लैंड की बात करूं, ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड है ना, ये आप इन सब क्रिकेट बोर्ड को देखना, है ये हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ए बी सी डी कैटेगरीज होती है टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है, हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें, पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी, या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हारना पड़ा, या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर के पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के तेंदुलकर के मैच मैंने देखे हुए हैं, राहुल द्रविड़ के मैच मैंने देखे हुए हैं। तो मैंने ये चीज देखी, तेंदुलकर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो तेंदुलकर की जगह पर उन्होंने किसी और को खिला दिया है। आपने क्या किया, आप अपना बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर आपका बाबर आजम नहीं खेलता तो उसकी जगह पे हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, बाबर आजम को फिर दोबारा चांस मिलता है, इसी तरह सारे क्रिकेटर्स को दोबारा चांस मिलता है। तो आपको अपनी बेस मजबूत करनी होगी, और सबसे पहले अपना चेयरमैन देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम का चेयरमैन कौन है, हमारी क्रिकेट टीम का सरबरा कौन है, बोर्ड का सबसे बड़ा करता धरता कौन है। और जब आप वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सियासतदान बैठा हुआ है उधर, जिसने ना कभी क्रिकेट खेली है, जिसे क्रिकेट के बारे में पता ही कोई नहीं है। तो उधर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, कोई लेजेंड होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट का पता हो। जी मैडम, बिल्कुल आप सर आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर बंगाली काफी ज्यादा कह लेंगे बेचारे। दोस्तों वीडियो गया खत्म, और आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, कल जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश को धोया, बांग्लादेश उस पिटाई को हमेशा पूरी जिंदगी भर के लिए याद रखेगा। और रिशाद नाम का जो बॉलर था बांग्लादेश का, जिसमें 5 छक्के मारे संजू सैमसन ने, मैं सही बता रहा हूँ, उसके सपने में कल रात ही संजू सैमसन आया होगा जरूर। और एक बॉल जो पहली जो बॉल मिस हो गई थी ना यार, उसका बड़ा मलाल है, वरना वो 6 छक्के पक्के मारता यार, वो 6 छक्के ऐसे चुमनेश्वर ही मारता, इतने प्यार से मार रहा था यार छक्के कि रिशाद भी पागल हो गया, उनके बॉलर पागल हो गए, क्योंकि एक तरफ सूर्या दूसरी तरफ सैमसन, ठीक है, और ये दोनों ऐसे खेल रहे थे ना बांग्लादेशियों को, बस क्या ही बता मैं, क्योंकि सूर्या कुमार यादव तो एक ऐसा प्लेयर है जो अनप्रेडिक्टेबल है, वो इस तरह के शॉट खेल लेगा अच्छी बॉल पर भी, बस पूछे ही मत ना यार। फिर आता है हार्दिक पांड्या, और पांड्या तो अलग ही सुर में चल रहा है, स्वैग चल रहा है उसका, स्वैग एक्चुअली में वो बात हकीकत है, वो स्वैगर बना हुआ है, वो शॉट मार के देख ही नहीं रहा बॉल को कि कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही, छक्के पे जा रही या चौके पे जा रही, बस शॉट मार दिया फटाक से। और पाकिस्तानी इसी बात को कह रहे हैं यार कि जो अब टीम इंडिया निकल कर आ रही है, इससे टक्कर ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हकीकत बात यह है, वर्ल्ड कप में एक मैच हारे वो भी फाइनल का, और क्लीन स्वीप किया वर्ल्ड कप T20 में, उसके बाद से अभी तक कोई मैच नहीं हारे। ये आप लोग देखो जरा कि किस लेवल पर गेम चल रहा है। और बैक बेंच जो जिसने बेंच पर बैठे रहते हैं, रिजर्व प्ले में बैठे रहते हैं, वो भी सारे के सारे सॉलिड प्लेयर हैं, उनको मौका मिलेगा तो वो भी तुड़ाई करेंगे ऐसे ही।
और बांग्लादेश को तो ऐसा पीटा है ना, बस क्या ही बोले यार। पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो सारे के सारे पागल हुए पड़े हैं, वो सारे के सारे परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं 297 50 ओवर में नहीं मार पाते, और इस बात में कोई शक नहीं है, बांग्लादेश भारत ने तो मार दिए 297। जब टेस्ट क्रिकेट को सोचने वाली बात है, ये पाकिस्तानी नहीं बोला था, टेस्ट क्रिकेट को ही भारतीयों ने T20 बना दिया। अब T20 को क्या बनाएंगे वो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझदार हैं, और वो ही करके दिखाया है। ऐसी पिटाई करी है ना, ऐसी पिटाई करी है, बांग्लादेश तो याद रखेगा ही, साथ में पाकिस्तान भी याद रखेगा। क्या शुक्र है अल्लाह का कि हम नहीं थे, वरना हम तो मुंह ही छुपाते फिरते, कहीं निकलते ही ना बाहर। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को देख करके यार, कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।